तो हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। सो गाइस, अगर आप भी अपने वीडियोस में एंड स्क्रीन और आई कार्ड लगाना चाहते हो सो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो पे एंड तक बने रहो, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। देन इसके सर्च बार में आपको टाइप करना है studio.youtube.com। देन लिखने के बाद में आपको सर्च कर लेना है। आप जैसे ही सर्च करते हो आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस खुलेगा, आपको स्क्रॉल अप करना है। यहाँ पे आपको कंटिन्यू टू स्टूडियो का नीचे ऑप्शन मिलेगा, सो इस पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, अब आपको यहाँ पे वीडियो वाले सेक्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जिस वीडियो में आप एंड स्क्रीन और आई बटन को लगाना चाहते हो। सो चलिए मैं अपने वीडियो को सिलेक्ट करता हूँ। सो वीडियो सिलेक्ट करने के बाद में आपको इसको स्क्रॉल अप करना है और यहाँ पे आपको साइड में देख सकते हो एंड स्क्रीन और आई कार्ड का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। सो सबसे पहले आपको एंड स्क्रीन पे क्लिक करना है एंड जैसे ही आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करते हो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलता है। अब आपके सामने यहाँ पे कई सारे एलिमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। आप जिस भी वीडियो को सिलेक्ट करना चाहते हो लाइक दिस, मैं यहाँ पे इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे मेरा सब्सक्राइब बटन रहेगा एंड इसको सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो इसकी जो टाइमिंग होती है आउटरो की वो होती है 21 सेकंड्स। 21 सेकंड्स के बाद में ये ऑटोमेटिक से ले लेता है। तीनों वीडियो आ चुके हैं, यहाँ पे मैंने खुद से एडजस्ट किया हुआ है एंड यहाँ पे बेस्ट फॉर व्यूवर्स, मेरे चैनल पर जो ज़्यादा अधिक व्यूज वाली वीडियो होगी वो यहाँ पे शो होगी एंड जो रिसेंट में अपलोड होगी वो यहाँ पे शो होगी। एंड इस चैनल पर कोई भी मुझे मतलब सब्सक्राइब कर सकता है इस वाले एलिमेंट पर क्लिक करके जो लोगो है हमारा। और अगर आप यहाँ पे चाहो तो इसके टाइमिंग को भी चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो जो टाइम दिख रहा है यहाँ पे ये वाला एंड यहाँ से आप इसे टाइमिंग चेंज कर सकते हो, थोड़ा सा पहले ला सकते हो एंड बाद में ला सकते हो। सो यहाँ पे एलिमेंट्स ऐड करने के बाद में इसको आप इधर उधर कर भी सकते हो एंड इतना करने के बाद में आपको यहाँ पे सेव का ऑप्शन मिलेगा। सो जैसे ही आप सेव कर देते हो आपको जो इंड स्क्रीन है वो लग चुका है एंड आई कार्ड लगाने के लिए सिंपली आपको आई कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा वीडियो है वो ऑलरेडी आ चुका है एंड इसमें मैंने ऑलरेडी आई बटन जो है वो लगाया हुआ है। जैसे कि मैंने आप देख सकते हो कि एक यहाँ पे लगा हुआ है यहाँ पे 15 सेकंड पे एंड एक 56 सेकंड पे लगा हुआ है एंड आप देख सकते हो एक मिनट 46 सेकंड पे लगा हुआ है। आप ऐसे ही करके जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ फिलहाल के लिए आपको ऐड करके दिखाने के लिए, यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक इनेबल हो गया है, प्लस करता हूँ आप प्लस कार्ड यहाँ पे आपको अब देखने को मिल रहा है। सो इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको वीडियो प्लेलिस्ट एंड चैनल कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे वीडियो सिलेक्ट करता हूँ एंड मेरा यहाँ पे वीडियो आ जाएगा। मैं यहाँ पे अपनी वीडियो को सिलेक्ट करता हूँ, किसी भी वीडियो को जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ सो उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड आप देख सकते हो जो हमारा ये आई बटन लग चुका है। सो यहाँ पे आपको आई बटन लगने के बाद में आपको यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन मिलेगा। सो यहाँ से आपको सेव कर देना है। सो सिंपली आपको सेव करते ही आपका जो आई कार्ड है और एंड स्क्रीन है वो लग चुका होगा। सो होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।